नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप लोग देख रहे हैं आकाश ब्लॉग एंड पेट्स यूट्यूब चैनल। तो आज आ गए छत्रागाछी स्टेशन में, देख रहे हैं छत्रागाछी स्टेशन। ठीक है, आज जाऊंगा एक फिश फार्म विजिट करने के लिए। तो फिश फार्म है पद्मपुकुर में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का कलेक्शन। वीडियो का साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो जो फ्रेंड चैनल में नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को जरूर दें। तो दोस्तों आ गए दादा का घर में। तो देख लीजिए, पीछे दादा का फार्म है। ठीक है, और बहुत आइटम तो मिल जाएगा इधर एक्वेरियम फिश का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दादा का साथ। तो दादा आप कैसे हैं बताइए? बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, आप कैसे हैं? मैं तो अच्छा हूँ और व्यूअर्स लोग भी बहुत ही अच्छा होंगे। और आपका नाम बता दीजिए। दीप मंडल। दीप मंडल। और आपका लोकेशन बता दीजिए। लोकेशन है पद्मपुर कैरी रोड, बंगालपुरा। ओके, आपका पास कौन सा मछली मिल जाएगा? मछली तो वैरायटी बहुत सारे है। अच्छा, बोलने से नाम कम पड़ जाएगा। वैरायटी तो बहुत सारे है। काप का वैरायटी है, ओइडो का है। अच्छा, और एंजल का है, टाइगर का है, वैरायटी बहुत सारे है, चलिए देख लीजिए। अच्छा, और आप मतलब बाहर स्टेट में मछली भेजते हैं क्या? नहीं, स्टेट में नहीं भेजते। हमारे पास जो खरीदार लोग आते हैं वो यहाँ से लेकर वो जाते हैं। मतलब होलसेलर लोग आते हैं? वो सभी होलसेलर है। सभी होलसेलर है, रिटेल नहीं करते। रिटेल नहीं है, रिटेल नहीं, रिटेल नहीं है। अच्छा, तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का कलेक्शन, कौन सा कलेक्शन दादा इस वीडियो का माध्यम से दिखाएंगे। तो देखते हैं आज का कलेक्शन, बिना स्किप से आज का वीडियो पूरा देखिए और वीडियो के साथ जुड़े रहिए। जो चैनल में जो फ्रेंड नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नया वीडियो अपडेट पाने के लिए। मैं रोज वीडियो देता हूँ इस चैनल में, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो देखते हैं आज का कलेक्शन, चलिए। तो दोस्तों देखिए, इधर बहुत बड़ा साइज का कार्प है। इधर सब ब्रूडर मछली मिल जाएगा, मतलब कार्प का। दादा आप बिकेगा क्या कार्प? नहीं, हम तो ब्रूडर नहीं बेचते। हमारे सब जो बिकता है वो सब उसका बच्चा बच्चा बिकते हैं। सौ हिसाब से ना, मतलब क्या है हिसाब से? हजार हजार हिसाब से। अच्छा, देखिए कितना बड़ा साइज का कार्प है, एक बार देखिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एक बार देखिए। सब भेल है, मिल्की कार्प है ना दादा? देखिए दोस्तों, एक कितना लगभग कितना इंची हो जाएगा अभी? ये तो हो जाएगा 1.5 फीट। हाँ, 1.5 फीट हो जाएगा, इससे भी बड़ा है। इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। अच्छा अच्छा, ये देता है बच्चा? अभी दे रहा है क्या? हाँ हाँ, बच्चा तो दे रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब इधर से होलसेल तो होते ही? होलसेल, सभी होलसेल, सभी होलसेल। और बच्चे का कीमत क्या रखा है, मतलब हजार हिसाब से? हजार का हिसाब से होगा तो आपका पार्ट 16 पैसा पड़ेगा। 16 पैसा? हाँ। अच्छा, आपका 5000 पैकेट आ जाएगा, 800 रुपया। ओके, ठीक है दोस्तों। देखिए इधर कुछ पर्पल कलर का विडो है दादा, ये ब्रूडर साइज का है क्या? हाँ हाँ हाँ, सभी ब्रूडर है, सभी देखिए। उइडो का फ्राई तो मिल जाएगा ना? हाँ, उइडो का फ्राई मिल जाएगा, वो अवेलेबल है। वो अवेलेबल है, मतलब रेड उइडो? हाँ, सभी 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 उइडो का सब वैरायटी है, सब वैरायटी है। टाइगर का भी वैरायटी है, फ्लोरोसेंट है, ऑर्डिनरी है, ग्रीन है, सब है। इधर कुछ उइडो का कलेक्शन है, देखिए दोस्तों। ये टैंक में सब मिला जुला के है उइडो, मतलब चार कलर तो है ही। इधर चार पांच कलर मिल जाएगा। इधर कुछ टाइगर बर्ड भी है, सब ब्रूडर साइज का है। देखिए एक बार कितना सुंदर लग रहा है, एक बार देखिए। पानी में ही बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक्वेरियम में रखेगा, उसके बाद बहुत ही ग्लो करेगा। अभी तो उइडो का मार्केट है थोड़ा कम गया ना? मार्केट तो सब थोड़ा ज़्यादा, मतलब बढ़ेगा ना? बढ़ेगा बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा। तो दोस्तों देखिए इधर कुछ श्रिंप है दादा के पास, श्रिंप भी मिल जाएगा। तो देखिए एकदम का गांव में लग गया श्रिंप। देखिए इधर ब्लू ब्लू है ना? हाँ हाँ, ब्लू से ब्लू है। इधर भी ब्लू है, इधर रेड है। हाँ रेड है, वो टैंक में। हाँ, उस टैंक में रेड है, रेड है। सिम तो बिकेगा ना दादा? हाँ, सिम तो वो अगर सिम बिकेगा, पर वो साइज के हिसाब से। अभी तो छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो तब बिकेगा। अच्छा, ठीक है।
तो दोस्तों दादा का और एक सेटअप में आ गए। तो दादा का और एक सेटअप है, देखिए बहुत सारा एक्वेरियम है इधर और मछली भी बहुत सारा है। एक्सोटिक वाला मछली है इधर, सिवरम भी है, देख पा रहा है सिवरम भी है इधर, देखिए रेड स्पॉटेड सिवरम है, बहुत सारे एक्सोटिक मछली मिल जाएगा इधर, एंजल है कुछ, ठीक है। और सब बात कर लेते हैं दादा का साथ, ठीक है। तो दादा आइए दादा, तो आपका ये मतलब ये सेटअप कितना दिन हुआ? ये तो लगभग हो गया 5 साल हो गया, 5-6 साल, हाँ 5-6 साल। मतलब इतना मेंटेनेंस कैसे अब कैसे करते हैं? हम तो नहीं करते, हम अकेले नहीं करते, हमारा जो फ्रेंड है, ठीक है, तो हमारा कुछ स्टाफ है, वही करते हैं। अच्छा, हम तो अकेले ऐसे नहीं कर पाएंगे सब कुछ ना। मैं सोच रहा हूँ कि कैसे करते हैं, मतलब इसलिए मैं क्वेश्चन पूछा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इधर कौन सा कलेक्शन है दादा का साथ। बात कर लेते लेते मैं पूछ लूँगा कि कौन सा कलेक्शन है, तो देखते हैं। अच्छा आपका पास तो देख रहे हैं कि मतलब बहुत सारे तो एंजल का कलेक्शन है। हाँ, मतलब आप एंजल ब्रीड करते हैं क्या? हाँ, एंजल ब्रीड करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम एंजल ब्रीड करते हैं। अच्छा, अगर कोई ये ब्रीडिंग प्रोसेस जानना चाहते हैं तो आप उनको जरूर 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 शेयर करेंगे जरूर। ओके, तो कौन सा एंजल है इधर? ये मार्बल वेल है, डायमंड है, ऑर्डिनरी है। एंजल का नाम क्या है? ये मार्बल वेल है। मार्बल वेल, ये तो नहीं बिकेगा ना? ये तो ब्रूडर है, ब्रूडर से। अच्छा, इसका भी बच्चा बिकेगा? बच्चा, बच्चा कितना में बिक रहा है अभी? अभी तो बिक रहा है 1.5 रुपया 2 रुपया पीस, 1.5 रुपया 2 रुपया। ये भी स्क्रैच? हाँ हाँ, ये भी मार्बल वेल है। मार्बल वेल, एसी वरम है? एसी वरम है, रेड स्पॉटेड। ये तो ब्रीडिंग चल रहा है? हाँ हाँ, ये तो ब्रीडिंग चल रहा है। मतलब इधर ब्रीडिंग? हाँ हाँ, ये तो सब ब्रीडिंग सेटअप है हमारा, जो भी है सब ब्रीडिंग सेटअप है। अच्छा, ये भी रेड स्पॉटेड सेटअप? हाँ 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 हाँ। देखिए दादा, ब्रीडर है एंजल का, एंजल का बहुत सारे एग्जॉटिक मछली का ब्रीडर है दादा। इधर ब्रीडिंग होते हैं दादा का पास, और ओनली बच्चा? हाँ हाँ, ओनली बच्चा भी। देखिए तो दोस्तों दादा का और एक फार्म में आ गए। तो देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा फार्म है इधर, मतलब उधर जो देखा वो थोड़ा छोटा है, मतलब ये फार्म बहुत ही बड़ा है। देखिए टैंक दादा, अभी ये टैंक का साइज क्या है? ये लगभग हो जाएगा 14 फीट, 14 फीट या 4 फीट। और डेप्थ? डेप्थ तो हो जाएगा 3.5 फुट तो हो जाएगा। अच्छा, फीट हो जाएगा, 3.5 फीट हो जाएगा। और बार बार पूछते हैं व्यूअर्स लोग एक सवाल कि आप लोगों का जो पानी, ये पानी ग्रीन कैसे होते हैं? वो सनलाइट से, सनलाइट का मेरा भी वही, वो तो है, सनलाइट से हो जाता है, सनलाइट से होते हैं। मतलब ये तो मेरा ही आंसर वही था, जिस सनलाइट से ही होते हैं। तो उन लोगों का तो बार बार एक ही क्वेश्चन है, कैसे होते हैं, कैसे वो सनलाइट से हो जाता है। तो रूम के अंदर रहेगा तो पानी ठीक रहेगा। अच्छा। अगर बाहर में आएगा तो धूप में तो वो सनलाइट में तो हाँ, वो तो ग्रीन हो जाए, तालाब का जैसे होता है। हाँ हाँ, वो तो हो ही जाएगा। तो और एक फार्म है इधर दादा का, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा कलेक्शन है, इस वीडियो का माध्यम से आप लोग देख पाएंगे। तो दोस्तों देखिए इसका साइज देखिए एक बार, ये 9-10 किलो तो हो जाएगा ही ना? 9-10 किलो आराम से हो जाएगा। ये कप का नाम क्या है दादा? ये प्रिंटेड वेल कप है, प्रिंटेड कप है, प्रिंटेड कप, प्रिंटेड कोई कप, प्रिंटेड कोई कप, प्रिंटेड कोई कप। देखिए
देखिए ये भेल कर्फ है, भेल गोल्डन कलर का ऊपर कर्फ है। देखिए ये भी मतलब 10 केजी तो हो जाएगा ही। आप 10 केजी तो होगा? 10 केजी हो जाएगा। देखिए ये दादा नहीं बिकेगा दोस्तों, ठीक है। इधर सिर्फ मिल जाएगा मछली का जो फ्राई है, बच्चा है वो भी मिल जाएगा। चारा बोलते हैं बंगाली में, चारा बोलते हैं। देखिए इधर मिल्की कर्फ है, भेल मिल्की कर्फ। पहले जो दिखा ओफन में वो भी सेम मछली है, मतलब उससे जैसा है, छोटा साइज का है। उधर बड़ा बड़ा था, मतलब छोटा है ना इधर? हाँ, छोटा है, थोड़ा छोटा है। ए, एक फीट हो जाएगा ना दादा? एक फीट से ऊपर हो जाएगा। अच्छा, 15 इंच हो जाएगा, मतलब एक फीट 3 इंच, 1 फीट 3 इंच। देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है, एक बार देखिए। दादा का साथ मुलाकात होके बहुत ही अच्छा लगा। दादा आपका नाम क्या है? दादा हमारा नाम सूरजीत दास। सूरजीत दास, दास। तो इधर ही रहते हैं ना आप? हाँ, इधर ही रहते। मेरा घर यहाँ पे है। यहाँ पे ही घर है। ठीक है दादा, बहुत अच्छा लगा आपका साथ मिलके। ठीक है, थैंक यू।